मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने चार ऐसे घर फोड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मुंब्रा और दीवा में घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सोने के गहने बरामद किए हैं जिनकी कीमत 4,75,600 रुपये है, तो वहीं 40,000 रुपये कैश भी बरामद किए हैं। कुल मिलाकर इनके पास से 5,15,300 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग दीवा और मुंब्रा में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये चारों आरोपियों के नाम है आदिल सिराजुद्दीन खान 19 साल जो MM वली मुंब्रा नूरबाग का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी हर्षद गुलाब पवार 26 साल जो मुंब्रा देवी कॉलोनी दीवा का रहने वाला है, तीसरा आरोपी विकास सुनील घोटके 23 साल, चौथा आरोपी पंकज सहतुए मौर्या सायन कोलीवाड़ा का रहने वाला है। इनके बारे में दीवा डिटेक्शन के API शिरसागर और मुंब्रा डिटेक्शन के API बोरसे को जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीनियर PI मधुकर कट के मार्गदर्शन में API हनुमान शिरसागर, API बोरसे, पुलिस नायक विक्रम पलाडे, धाना जी घोड़गे, अनिल मोरे, कैलाश पादिर, रवि जाधव, राकेश येसी, तेजस परब, अर्जुन जुवाटकर, प्रमोद जमदाडे, बाबूराव खरात, अंकुश वैद्य ने इन चारों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पूछताछ में इन्होंने अब तक 9 घर फोड़ी बताई है, जिनमें से इन्होंने 6 घर फोड़ी को अंजाम दीवा में दिया था और 3 मुंब्रा में। मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है। पिछले 3-4 महीने में दीवा और मुंब्रा में घर फोड़ी का गुने हो रहे थे। उस घरपोड़ी के गुने के लिए दीवा के DBK API सिरसागर और मुंब्रा DBK API श्री बोरसे, इन्होंने दोनों ने मिलकर और उनके टीम ने 9 घरपोड़ी डिटेक्ट किया है, और उसमें नियर अबाउट 5.5 लाख का गहने और 40,000 रुपये रोक ये सीज किया हुआ है, और उसमें 4 आरोपी अरेस्ट किए हुए और चारों आरोपी से 2 आरोपी अभी PCR में, बाकी जेल में है आरोपी। इन लोगों का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है। 2 अभी यहाँ से दीवा के जो आरोपी है वो दीवा छोड़ के पुणे में चले गए थे, एक सायन कोलीवाड़ा में रहता है और एक मुंब्रा में एक रहता है। नियर अबाउट 5.5 लाख के गहने डिटेक्ट हुए और 40,000 कैश डिटेक्ट किया हुआ। 135 टोटल कुल मिला के 135 ग्राम सोना डिटेक्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। ये चारों आरोपी कहाँ के हैं सर? दो दीवा के है, एक सायन कोड़ीवाड़ा का है और एक मुंब्रा कौसा का है। रहने वाले कहाँ के हैं? दीवा के। कोई हथियार वगैरह इनके पास? ये वो जो हाथ मैंने कटौनी जो रहती है वो HBT करने के लिए वो हथियार जब्त किया हुआ है, मोबाइल जब्त है उनका। उनको हर एक गुने में अलग अलग PC मिल रहा है, यानी 9 गुने डिटेक्ट हुए तो इसमें हर एक तीन चार दिन हर एक गुने में PCR मिल रहा है। फिलहाल ये चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इनका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है। पुलिस ने इन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें से 2 आरोपी जेल में, 2 PCR में है। इस पूरे मामले की जांच API शिरसागर और API बोर्ड से कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।